हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। जैसे कि छुट्टियों का मौसम आ चुका है और बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है कि हमें ये खाना है, वो खाना है, और क्योंकि गर्मियों का मौसम आ चुका है और बाजार में मस्क मेलन यानी कि जो खरबूजा है वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना गर्मियों के लिए एक अलग रेसिपी लेकर आए। चलिए बनाना शुरू करते हैं मस्क मेलन पॉप्सिकल्स। हमने यहाँ पे दो स्लाइस लिए हैं खरबूजे के यानी कि मस्क मेलन के, तो हम यहाँ पे चाकू की सहायता से इसे काट लेंगे। तो हमने यहाँ पे मस्क मेलन को काट लिया है। अब मस्क मेलन को हम मिक्सर जार में डाल देंगे। अब इसमें हम आधा कप दूध डाल देंगे। इस दूध को मैंने उबाल लिया था और फिर ठंडा कर दिया था। अब इसमें हम डालने वाले हैं 1/4 कप कंडेंस मिल्क। मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क मिल्कमेड ब्रांड का यूज कर रही हूँ। कंडेंस मिल्क डालने से ये क्रीमी सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मिक्सर जार को बंद कर देते हैं और इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे हमने मस्क मेलन यानी कि खरबूजे को पीस लिया है और इसका जो पेस्ट है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बना है। इसे पीसने से पहले मैंने केसर भी डाल दिया था लेकिन उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। आप इसके अंदर आधा कप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो। अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे 4 छोटे शॉट ग्लासेस लिए हैं। अगर आपके पास इस तरह के ग्लासेस नहीं है तो आप जो पॉप्सिकल्स के सांचे होते हैं उसमें भी डाल सकते हो। हम इसके अंदर पहले अनारदाना डाल देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे अनारदाना डाल दिया है। अब जो बैटर हमने तैयार किया है वो हम डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे जो बैटर तैयार किया था वो हमने डाल दिया है। उसके ऊपर हम फिर से अनारदाना डालेंगे। तो देखिए हमें इस तरह से अनारदाना ऊपर फैलाना है क्योंकि यहाँ पे जो मिक्सर है थोड़ा गाढ़ा सा है तो जो अनारदाने हैं वो नीचे सेटल नहीं होंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे चारों ग्लासेस में अनारदाना फैला दिया है। इसकी जो टॉपिंग है अनारदाना से की है। तो हमने यहाँ पे 4 सिल्वर फॉइल्स लिए हैं। तो इस तरह से हम सिल्वर फॉइल को ग्लास के ऊपर रखेंगे और दबा देंगे हाथों से। तो हमने यहाँ पे 1 ग्लास में फॉइल लगा दिया है। इसी तरीके से जो बाकी के 3 ग्लासेस हैं उसके ऊपर भी हम फॉइल लगा देंगे। तो यहाँ पे 4 ग्लासेस में फॉइल लगा दी है। तो अब हम यहाँ पे टूथपिक लेंगे। टूथपिक का जो पॉइंटेड हिस्सा होता है वो हम प्रिक करेंगे फॉइल के ऊपर और इस तरह से हम टूथपिक को डाल देंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी ग्लासेस में टूथपिक को प्रिक करेंगे। तो हमने 4 ग्लासेस में टूथपिक डाल दिया है। अब हम ये करेंगे कि इसे प्लेट के ऊपर रख देंगे और हमें यहाँ पे इसे डीप फ्रीजर में रखना है। और डीप फ्रीजर में हमें इसे तब तक रखना है जब ये पूरी तरह से सख्त ना हो जाए और पूरी तरह से जम ना जाए। तो देखिए हमने पूरी तरह से इसे जमा दिया है। तो अब ये जो फॉइल है वो हम निकाल देंगे। वाओ, बहुत ही ज्यादा सुंदर सा दिख रहा है ये और पूरी तरह से ये जम चुका है। तो हम यहाँ पे 4 ग्लासेस में से फॉइल निकाल देंगे। तो अब हम यहाँ पे पॉप्सिकल्स को निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैं इसे रब करने वाली हूँ ताकि थोड़ा सा ये गर्म सा हो जाए। अगर फिर भी ना निकले तो आप इसे पानी के अंदर 1-2 बार डिप कीजिए और फिर निकालिए। तो देखिए यहाँ पे 1 मस्कमेलन पॉप्सिकल्स निकल चुका है। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी 3 पॉप्सिकल्स को निकाल लेंगे शॉर्ट ग्लासेस में से। तो मैं इसे पुदीना के साथ सजा लूंगी। तो देखिए ये मस्क मेलन पॉप्सिकल्स कितने सुंदर से लग रहे हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव से हैं, बच्चे इसे बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही आसान से बनने वाली पॉप्सिकल्स की रेसिपी पसंद आई होगी। आप जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा और अपना मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे। जय हिंद, जय भारत।